Present teacher. Hello students, how are you? I hope you are doing well. हम लोग एडजेक्टिव देख चुके हैं, नाउन या प्रोनाउन का जो जो भी क्वालिफाई करता है उसको एडजेक्टिव कहते हैं, ठीक है। अभी हम लोग देखेंगे ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव। ऑर्डर मीन्स कौन सा एडजेक्टिव पहले रखेंगे और कौन सा एडजेक्टिव बाद में रखेंगे, ये हम लोग ऑर्डर सीखेंगे। एग्जाम्पल के लिए देखते हैं, यहाँ पे एक सेंटेंस लिखा हुआ है, I have a red new pen. और दूसरा सेंटेंस लिखा हुआ है, आई हैव अ न्यू रेड पेन। अब बताइए आप लोग कौन सा करेक्ट है, कौन सा करेक्ट है बताइए, अ न्यू रेड पेन या अ रेड न्यू पेन, विच वन इज करेक्ट। अब यहां पे ये न्यू भी क्या है, एक एडजेक्टिव है, रेड भी यहां पे एडजेक्टिव है, ठीक है। तो कौन सा एडजेक्टिव पहले आएगा, कौन सा एडजेक्टिव बाद में आएगा, इसी और इसी के ऑर्डर के बारे में हम लोग समझेंगे इस चैप्टर में, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो हम लोग अभी इसमें हम लोग देखते हैं ये रॉन्ग है और ये राइट है। अब क्यों है ये रॉन्ग क्यों है, ये राइट क्यों है, इसके लिए हम लोगों को एक ऑर्डर है, उस ऑर्डर को फॉलो करना होता है, ठीक है। ऑर्डर कौन सा है, सबसे पहले हम लोग आर्टिकल यूज करते हैं, आर्टिकल के बाद हम लोग जो है आर्टिकल और नाउन के बीच में जो भी होता है वो सब हम लोग क्या लगाते हैं, एडजेक्टिव, ठीक है। तो आर्टिकल और नाउन के बीच में जितने भी है क्या है, एडजेक्टिव है, और उस एडजेक्टिव के ऑर्डर को हम लोग कैसे कैसे यूज करेंगे, आइए ये देखते हैं। तो आर्टिकल के बाद हम लोग लगाएंगे क्वालिटी या ओपिनियन। क्वालिटी या ओपिनियन क्या होता है, कोई चीज हमें कैसा लगा, ठीक है, हमें कैसा लगा उसको हम लोग कहते हैं क्वालिटी या ओपिनियन। कोई चीज बहुत चमकीला है, ब्राइट है, तो उसको कहेंगे ब्राइट क्या है, ओपिनियन है या क्वालिटी है। स्मार्ट दिख रहा हो, स्मार्ट ओपिनियन है। ब्यूटीफुल ओपिनियन है, वंडरफुल ओपिनियन है, ओके। ओपिनियन हम लोग समझ गए, क्वालिटी पहले इसको लिखेंगे, उसके बाद लिखेंगे हम लोग साइज। साइज में क्या क्या आता है, जैसे स्मॉल हो गया, लार्ज हो गया, टीनी मींस बहुत छोटा, थिन मींस पतला, ठीक है, ये सब क्या हो गया, साइज हो गया। उसके बाद लिखते हैं एज। एज जैसे ओल्ड, न्यू, यंग, मॉडर्न, ठीक है, ये सब एज एज हो गया। एज के बाद हम लोग लिखते हैं शेप, ठीक है। शेप क्या होता है, जैसे राउंड, गोल, कर्व, स्क्वायर, रेक्टेंगल, शॉर्ट, ठीक है, दीज ऑल आर शेप, ओके। हम लोग शेप के बाद देखेंगे कलर। कलर कौन कौन सा यूज कर सकते हैं, ब्लैक, ग्रीन, गोल्डन, दीज ऑल आर कलर्स, ये कब यूज होगा, शेप के बाद, ओके। कलर के बाद क्या होगा, ओरिजिन, कोई चीज कहाँ से बना है, कहाँ का बना हुआ है, जैसे जर्मन है, रोमन है, इंडियन है, इटालियन है, ठीक है, जैसे इंडियन मोबाइल, ठीक है, इस टाइप का ओरिजिन जो होता है इसको हम लोग यूज करते हैं। और सबसे लास्ट में हम लोग नाम लिखते हैं जिसका एडजेक्टिव हम लोगों को बताना होता है। तो ये है ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव्स। पहले क्या यूज करेंगे, आर्टिकल के बाद ओपिनियन, उसके बाद साइज, देन एज, देन शेप, देन कलर, देन ओरिजिन और लास्ट में नाउन, ठीक है। तो ये ऑर्डर है, इसी ऑर्डर को हम लोगों को फॉलो करना होता है, गॉट इट। अब इस ऑर्डर के हिसाब से आप लोग बताइए कि दोनों सेंटेंस में से कौन सा सही है, आई हैव अ रेड न्यू पेन या आई हैव अ न्यू रेड पेन, विच वन इज करेक्ट। हम लोग जानते हैं पहला रॉन्ग है, आइए देखते हैं क्यों रॉन्ग है। पहले लिखा हुआ है आई हैव ए, यहाँ आर्टिकल हो गया, ठीक है। अब ये दोनों क्या है, रेड और न्यू क्या है, एडजेक्टिव है, और ये नाउन है, पेन, ठीक है। तो आर्टिकल हो गया और ये नाउन हो गया, ठीक है। अब इन दोनों के बीच में एडजेक्टिव आएंगे, ओके। अब रेड है और न्यू है, तो रेड क्या है, कलर है, और न्यू क्या है, न्यू, ओल्ड, ये सब क्या है, एज है। तो पहले क्या आएगा, पहले कलर आएगा या पहले एज आएगा, हम देख रहे हैं ऑर्डर के हिसाब से, पहले एज आएगा,
उसके बाद कलर आएगा। ओके तो देखिए यहाँ पे पहले कलर यूज किया गया है तब एज यूज हुआ है, पहले कलर आया है उसके बाद एज आया है, दैट्स व्हाई फर्स्ट सेंटेंस इज रॉन्ग। ओके और देखिए दूसरा, आई हैव अ न्यू रेड पेन, अब पहले क्या आया है एज और तब आया है कलर, देखिए पहले एज आएगा उसके बाद कलर आएगा। ठीक है, दो दिया है इन्हीं दोनों में से कंपेयर करेंगे कौन सा पहले आएगा और कौन सा बाद में आएगा। ठीक है, तो पहले एज आएगा उसके बाद कलर आएगा, तो पहले यहाँ एज है न्यू और उसके बाद कलर है रेड, तो सेकंड सेंटेंस करेक्ट है। गॉट इट, तो ये है तरीका हम लोग कैसे एक से ज्यादा एडजेक्टिव अगर किसी नाउन का बताना होगा तो हम लोग कैसे बताएंगे। गॉट इट, चलिए कुछ प्रैक्टिस करते हैं, यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस लिखे हुए हैं, देखते हैं कौन सा सही है और कौन सा रॉन्ग है। यहाँ पे है देयर इज अ डैश रेस्टोरेंट इन साकेत, साकेत जगह का नाम है। ठीक है, तो साकेत में एक रेस्टोरेंट है, अब ये रेस्टोरेंट का हम लोग क्वालिटी बताएंगे, एडजेक्टिव्स बताएंगे, कौन कौन सा एडजेक्टिव दिया हुआ है, ब्राउन राउंड लार्ज, बी में है सेकंड ऑप्शन है राउंड लार्ज ब्राउन, थर्ड ऑप्शन है लार्ज राउंड ब्राउन। ठीक है, इन तीनों में से कौन सा होगा, एक तो कलर दिया हुआ है, दूसरा शेप दिया हुआ है और तीसरा साइज दिया हुआ है। कलर दिया हुआ है, देखिए कलर है ब्राउन, शेप है क्या राउंड और साइज क्या है लार्ज। ठीक है, अब इन तीनों में से कौन कौन सा यूज होगा, तो देखिए कलर कलर शेप और साइज, तो पहले क्या है, पहले साइज आएगा, ठीक है, देन शेप आएगा, उसके बाद कलर यूज करेंगे, तो पहले साइज, साइज क्या है लार्ज, तो इसमें लार्ज कौन है, देखिए पहले लार्ज, ठीक है, लार्ज क्या है, पहले साइज आ गया लार्ज, इसके बाद शेप आएगा तो राउंड, यहाँ पे शेप आ गया राउंड, उसके बाद कलर यूज करेंगे ब्राउन, तो यहाँ पे क्या आ गया ब्राउन। कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर थर्ड जो है ये करेक्ट है। गॉट इट, बाकी दोनों ए और बी रॉन्ग है। ओके, ए और बी दोनों रॉन्ग है, क्यों, क्योंकि पहले साइज आएगा उसके बाद शेप आएगा देन कलर आएगा। आई होप आपको समझ में आया है। ठीक है, सेकंड एग्जांपल इज द मैन वाज सेलिंग डैश डॉल, अब यहाँ डॉल के बारे में एडजेक्टिव लिखे होंगे, अब क्या क्या एडजेक्टिव दिए हुए हैं, देखिए टीनी जापानीज रेड, टीनी टीनी क्या है साइज है, टीनी क्या होता है साइज है। ठीक है, जापानीज क्या है ओरिजिन है, देखिए जर्मन रोमन इंडियन इटालियन, तो जापानीज क्या हो गया ओरिजिन हो गया। ओके, और रेड क्या है कलर है, कलर है। ठीक है, तो हमारे पास साइज यहाँ पे कलर है, साइज कलर और ओरिजिन ऐसे यूज करना होगा, पहले पहले साइज लिखना होगा तब कलर लिखना होगा देन ओरिजिन लिखना होगा, तो चेक कीजिए कौन सा चाहिए, पहले साइज। ठीक है, साइज क्या है, ये टीनी यहाँ पे है, ठीक है ये रेड है, पहले कलर हो गया, ये गलत हो गया, ऑप्शन नंबर बी कैंसिल। अब टीनी, ये दोनों टीनी है, पहले क्या है साइज है, अब क्या होगा साइज के बाद क्या होगा बताइए, हम लोग कलर यूज करेंगे, अब यहाँ रेड है और यहाँ जापानीज है, देखिए साइज के बाद हम लोग कलर करेंगे तब ओरिजिन करेंगे, तो यहाँ पे जापानीज यूज हुआ है साइज के बाद ओरिजिन है और यहाँ पे साइज के बाद, साइज के बाद कलर है, तो कौन सा सही है, वो रॉन्ग हो गया ये करेक्ट है, और लास्ट में जापानीज क्या हो गया ओरिजिन हो गया। ठीक है, तो ये साइज हो गया, ये कलर हो गया, ये ओरिजिन हो गया, तो ये ऑप्शन नंबर अगेन सी करेक्ट है। ओके, और ए और बी क्या है रॉन्ग है। चलिए थर्ड क्वेश्चन है, माय पेरेंट्स न्यू हाउस हैड अ डैश गार्डन, माय पेरेंट्स न्यू हाउस हैज अ डैश गार्डन, अब यहाँ पे क्या क्या दिया हुआ, पहले ये देखिए लार्ज, ये क्या हो गया साइज हो गया, लार्ज क्या है साइज है, रेक्टेंगुलर ये क्या है शेप है,
राउंड, गोल, स्क्वायर, शॉर्ट, रेक्टेंगल, ये सब क्या है? ये शेप है, ठीक है। और ग्रीन, ग्रीन क्या है? कलर। तो साइज, शेप और कलर में से पहले कौन आएगा? पहले साइज आएगा, देन शेप आएगा, देन कलर आएगा। ओके, तो देखिए कौन सा सही है। यहाँ पे पहले क्या यूज हो गया है? शेप, पहले साइज आना चाहिए था, तो ये गलत है, ऑप्शन नंबर सी नहीं होगा। चलिए यहाँ पे पहले साइज है, साइज है, ठीक है। तो साइज के बाद शेप आना चाहिए, तो यहाँ पे देखिए शेप नहीं है, कलर है, ये भी गलत हो गया, शेप आना चाहिए था। चलिए फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं, पहले साइज है लार्ज, देन रेक्टेंगुलर शेप हो गया, और देन ग्रीन कलर हो गया। साइज, शेप, कलर, साइज, शेप और कलर, ठीक है। तो ये कौन सा सही हो गया? फर्स्ट ऑप्शन, दिस वन इज करेक्ट। ओके, तो ये था हम लोग ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव्स कैसे सजाएंगे, पहले कौन सा होगा, देन उसके बाद क्या होगा, देन उसके बाद क्या होगा। उसके लिए हम लोगों को ये याद रखना पड़ेगा कि आर्टिकल के बाद पहले ओपिनियन लिखते हैं, देन साइज, देन एज, देन शेप, देन कलर, देन ओरिजिन, और लास्ट में नाउन होता ही है, ठीक है। तो ये है तरीका कैसे हम लोग लिखेंगे जब एक से ज्यादा एडजेक्टिव किसी नाउन के पहले आने लगेगा तब, ठीक है। ओके, थैंक यू।